हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज, आज हम बनाएंगे अम्मा जी की पेंटिंग, जो कि मैंने स्टार्ट की थी, तो आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है अम्मा, फिर आपको दिखाएंगे। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है लॉकडाउन में? ठीक हो रहा है। तो गाइज, लॉकडाउन तो बढ़ चुका है और हम घर में ही हैं, तो ड्राइंग करते रहना, पेंटिंग करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। और अम्मा की भी बनाएंगे, मम्मी जी की बना दी है, पापा जी की बनाएंगे, पीयूष की बनाएंगे, सबकी बनाएंगे। इसी तरह से आप भी अपने फैमिली मेम्बर्स में बना के उनको हैप्पी करो। सो गाइज, मैंने आइज तो बना ली थी अम्मा जी की और अपलोड भी कर दी थी मैंने अपने एड्रेस चैनल पे, तो चलो उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। और गाइज, अभी बनानी है मेरे को एक वीडियो मेरे सभी आर्टवर्क्स की, जो कि मैंने बोला था, तो अभी शूट करते हैं। पहले मैं अपने सारे आर्टवर्क्स निकाल लेता हूँ जब मैंने स्केचिंग स्टार्ट की थी तब से अब तक के। डिस्प्ले बुक्स में तो मेरे थोड़े अच्छे अच्छे ही पड़े हैं, बट जो अच्छे नहीं है स्टार्टिंग में मैंने बनाए थे टेढ़े मेढ़े से, वो मैंने ऐसे रख दिए थे, तो सभी निकालते हैं। गाइज, मैंने इतने सारे आर्टवर्क्स बना दिए ना, मेरे को याद ही नहीं है कि पिछले 3 साल मैंने कितने आर्टवर्क्स बनाए हैं। तो चलो देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग हूँ मैं देखने के लिए। सो गाइज, कुछ आर्टवर्क्स तो मैंने यहाँ पर रखे हैं मेरे बहुत पुराने वाले, तो निकाल के दिखाता हूँ। ये मैंने सब्सक्राइबर का बनाया था, मेरे 6 सब्सक्राइबर का, इसकी वीडियो बनाई थी मैंने। ये तो बस पेपर ही है। कुछ आर्टवर्क्स इस बॉक्स के अंदर हैं, इसके नीचे हैं डिस्प्ले बुक में, और जो ये इसके अंदर भी है, तो इसको बाहर निकालते हैं। इसमें भी कुछ वर्क्स हैं, कुछ इसमें भी हैं। वैसे तो मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँगा कम्प्लीट सारे आर्टवर्क्स की, बट फिर भी थोड़े बहुत देखते हैं, कुछ आपको दिखाने लायक है तो व्लॉग में। ये सारे प्रैक्टिस हैं, ये देखो पीयूष ने क्या हाल किया, इसका मूछ बना दी, इसकी मूछ और दाढ़ी बना दी पीयूष ने। ये फ्री हैंड प्रैक्टिस है, ये देखो अमिताभ बच्चन जी लग रहे हैं ये, जब मैंने फर्स्ट टाइम वाटर कलर यूज़ किए थे, देख रहे हो गाइस 3D। बाकी मैं एक एक करके आपको दिखा दूँगा अच्छे से आर्ट वाले चैनल पर। इसमें देखते हैं क्या है, निकल जा। A3 साइज़ की डिस्प्ले बुक्स हैं शायद। मैंने इसमें बहुत घंटे लगाए थे, तो ये डूडलिंग है। ओए, ये मेरा पोर्ट्रेट। अच्छा हाँ, ये करतार भाई ने बना के भेजा था, इसको तो मैं भूल ही गया था, इसको फ्रेम करवा के लगा लेंगे। देखो गाइस, काफ़ी प्यारा लग रहा है, और पता नहीं क्या क्या मिलेगा इसमें, कार्टून वगैरह भी बना रखे हैं। ये देखो गाइस, इस तरह के मैं पहले ही बनाता था, अब तो मैंने फिर भी कम कर दिए। लव यू मॉम, ये मैंने देख के बनाया था यूट्यूब से। ओए मम्मी जी, ये भी भूल गया था मैं तो, ये मैंने 2017 में बनाया था A3 साइज पे। इसको भी अलग से निकाल लेता हूँ मैं। ये पता नहीं क्या बनाया था मैंने, ये भी पता नहीं क्या बनाया था, ये भी पता नहीं क्या था। लाइंस लाइंस साइज में, बस देखो लाइंस लाइंस ही दिख रही है इसमें तो। ये मेरी एक फ्रेंड थी दिल्ली में, ये कमीशन वर्क था गाइस मेरा, दूसरा या तीसरा वर्क था, जो कि मैंने 2017 में ही बनाया था। ये कमीशन वर्क ना मेरे पास इसलिए है बिकॉज ना उसने मुझे पे नहीं किया था, उसने मुझसे बनवा तो लिया, बोला मुझे दे दो मैं आपको बाद में पैसे दे दूँगा। मतलब लिटरली मैंने बहुत मेहनत से बनाया था गाइस, 2 दिन लगा के। उस टाइम पे इतनी अच्छी मेरी स्केचिंग नहीं थी, पर मुझे बहुत बुरा लगा था। उसके बाद तो मैंने पहले पेमेंट लेना शुरू कर दिया था, और मेरा एक फ्रेंड ही था शायद, ये मुझे याद नहीं है, इसीलिए कमीशन वर्क मेरे पास है अभी तक A3 साइज़ का। और मैंने उसको आई थिंक 500 बोले थे इसके। तो चलो और भी दिखाता हूँ एक दो, बाकी आर्ट वाले चैनल पर देख लेना कम्प्लीट सारे। इसमें तो गाइस बहुत ही सारे हैं, ये देखो गाइस फिर से आ गया एक। ये वाला वर्क मुझे बहुत याद है, मैं सर के पास ले गया था, इतना खुश हो गए, मेरे को बिल्कुल बेस्ट वर्क लग रहा था मेरी क्लास में सबसे ज़्यादा उस टाइम पे, मुझे इतना बेस्ट लग रहा था ना, ये सच्ची बता रहा हूँ, बहुत प्राउड फील हो रहा था खुद पे। ये देखो गाइस सेल्फ पोर्ट्रेट ये मैं हूँ अब इसमें देखते हैं क्या है। ब्लैक पेपर क्या बनाया मैंने,
इसमें तो कुछ नहीं है। अच्छा हाँ याद आया। सो गाइस इस ब्लैक पेपर को देख के मुझे बहुत ज़्यादा याद आ गई मेरी स्टार्टिंग की, जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। बिकॉज मेरे पास टेबल नहीं था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे रूम भी बहुत बेकार था। उस टाइम मैं इसको यूज़ करता था बैकग्राउंड के लिए, तो मेरे पास एक छोटा सा टेबल था उसके ऊपर इसको रखता था ताकि बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लैक दिखे। आप देखना स्टार्टिंग की जो मेरी वीडियोज़ थी उनमें आपको ब्लैक बैकग्राउंड दिखेगा, तो यही पेपर था। तो गाइस काफ़ी याद सी आ रही है, तो चलो देखते हैं और भी क्या क्या मिलता है। साहिल खान, परमेश वर्मा। तो गाइस देखो मैंने आईफिल टावर बना दिया था स्टार्टिंग में, मैंने वीडियो बनाई थी इसकी अगर आपने देखी है तो डिटेलिंग काफ़ी अच्छे से हुई है। देखो गाइस कितनी बारीक डिटेलिंग की है इसमें। मैंने कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का ही यूज़ किया था, काफ़ी प्यारा लग रहा है। मैं तो भूल गया था इस वर्क को भी। एक और वर्क है इसके अंदर जो कि है टाइगर श्रॉफ का। स्टार्टिंग में मैंने टाइगर श्रॉफ बहुत बनाए हैं, तो ये A2 साइज़ है गाइस। आईफिल टावर भी A2 साइज़ का है। मैं इन सारे वर्क्स को भूल गया था गाइस सारों को, सो इनको भी रखते हैं यहाँ पर। पता नहीं कितनी लंबी वीडियो बनेगी। तो चलो गाइस अब इस बॉक्स में देखते हैं। प्ले बटन का बॉक्स मैंने इसी में रखा हुआ, तो इस बॉक्स में है कुछ आर्ट वर्क्स। ये भी काफ़ी भारी लग रहा है गाइस। चुंबक रखा हुआ है इसके अंदर, तो कुछ लव लेटर हैं इसके अंदर जो कि साइड रखते हैं। ये भी लव लेटर ही है। मजाक कर रहा हूँ गाइस। देखो हैप्पी बर्थडे भैया, तो ये मेरे भाई बहनों ने लिखा था मेरे लिए, तो ये कुछ यादें हैं मेरी। में क्या लिखा हुआ है, मेरे प्यारे दद्दा। सो 3 पैकेट आइवरी पेपर के हैं इसके अंदर, बाकी आर्ट वर्क्स हैं। सो गाइज इतने कुछ आर्ट वर्क्स हैं इसके अंदर, काफ़ी सारे हैं गाइज। नीचे भी हैं, इसमें भी भरे हुए हैं, तो ये तो बहुत ही सारे हो गए। अक्षय कुमार, सलमान खान और ये करण जौहर, मतलब मैंने बना तो बहुत दिए। देखना गाइज कितने सारे हैं। अच्छा ये सारे टाइगर श्रॉफ के हैं। हाँ टाइगर श्रॉफ के मैंने इतने सारे आर्ट वर्क्स बना दिए गाइज। मैंने गाइज अराउंड 30 पोर्ट्रेट्स बना दिए टाइगर श्रॉफ के। किसी दिन मिलवाना उनसे, सारे दे दूंगा उनको। तो मतलब देख लो गाइज, मतलब इतना बड़ा फ़ैन था। बट चलो जो भी है प्रैक्टिस हो गई मेरी, मतलब इतने सारे आर्ट वर्क मेरे को याद ही नहीं थे। सो गाइज इनको भी रख देते हैं यहाँ पर। एनिमीज भी बना रखे हैं मैंने, पता नहीं किस किस के पोर्ट्रेट बना दिए। सो गाइज कुछ आर्ट वर्क इसमें भी हैं, तो इसमें से भी निकाल लेते हैं हम। आज सारा सामान फैला दिया मैंने। ओ ये भी मेरा, अच्छा हाँ राजा आर्ट्स ने, इन्होंने तो मेरी काफ़ी ड्राइंग बनाई है यार। ये फ्री हैंड प्रैक्टिस थी हैचिंग की। ये देखो गाइस कंप्लीट हैचिंग है ये। सो गाइस इसमें भी बहुत सारे आर्ट वर्क्स हैं, देखना आलिया भट्ट, जन्नत जुबेर। तो गाइस और देखते हैं, एक और बॉक्स है यहाँ पे, क्या पता इसमें भी आर्ट वर्क्स हों। धूल काफ़ी ज़्यादा जम गई है। अरे वाह ये भी भरा हुआ है, इतने तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे गाइस। ये किसकी आईज हैं कमेंट कर बताना गाइस, ये किसकी आईज हैं, मुझे तो पता है। इतने सारे आर्ट वर्क गाइस, ये ऑयल पेस्टल के हैं, सो इसको भी ऐसे ही रख देता हूँ मैं। मेरे को लग रहा है यही सारे 1000 हो गए होंगे। उन सब के अलावा गाइस ये हैं मेरे पास टोटल 12 डिस्प्ले बुक्स जो कि पूरी पूरी भरी हुई है। इनमें भी आर्ट वर्क्स हैं मेरे, कुछ लेटेस्ट वाले हैं कुछ पुराने वाले भी हैं। सो गाइस आर्ट वर्क्स तो बहुत सारे हैं, तो आई थिंक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी, तो मैं आपको जल्दी जल्दी दिखाऊंगा, बिल्कुल जल्दी जल्दी, थोड़ा फास्ट करके ताकि ज़्यादा लंबी ना हो। मैक्सिमम 20 मिनट, 20 मिनट से ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा मैं। सारे आर्ट वर्क्स निकालने के चक्कर में गाइस रूम की हालत देखो क्या हो गई है। हे गाइस सो अभी टाइम हो रहा है 11, तो वीडियो शूट करते हैं अब। अब शांति हो चुकी है, सब सो चुके हैं, तो इसी टाइम पे मैं वीडियो शुरू करता हूँ अगर मुझे वॉइस ओवर करना हो या फिर कोई वीडियो बोल के मुझे बनानी है तो। बिकॉज दिन में तो काफ़ी शोर होता है, दिन में मैं ओनली व्लॉग ही बनाता हूँ। और साथ ही साथ गाइस एक वीडियो आने वाली है हमारे स्टूडियो टूर के ऊपर। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि अपना स्टूडियो दिखाओ स्टूडियो दिखाओ, तो साथ में 2 वीडियो आएंगी, एक डिस्प्ले बुक टूर और एक स्टूडियो टूर। तो हाँ वेट करना।
सो गाइस फाइनली मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली है, मुझे पसीना पसीना हो गया है बिकॉज़ फ़ैन को ऑफ रखना पड़ता है। 2 घंटे लग गए वीडियो रिकॉर्ड करने में, अपने आर्ट वर्क दिखाने में, बट बहुत मेहनत लगी है। और हाँ, जितने भी मेरे हेटर्स देखते हैं ना मेरे ब्लॉग वाले चैनल या फिर आर्ट वाले चैनल, जो मैंने वीडियो भी बनाई है ना, आप ये वीडियो देखना, आप मुझे हेट करना बंद कर दोगे। लिटरली मेरे को विश्वास नहीं हो रहा मैंने इतने सारे आर्ट वर्क बना लिए। तो जितने भी हेटर्स हैं उनको मैं कहूँगा कृपया करके जाके वो वीडियो देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। और एक और चीज़ गाइज, मेरे को एक और ड्राइंग मिली मम्मी जी की, A4 साइज की है, देखो प्रिंट वाले पेपर पर बनाई थी मैंने मम्मी जी की, 2015 पता नहीं 16 में, डेट नहीं लिखी है मैंने इसमें। इसका मतलब मैंने मम्मी जी के 4 पोर्ट्रेट बना लिए कंप्लीट। अब जाकर के गाइस तसल्ली से मैं अपने बेड पे बैठूंगा और एडिटिंग करूंगा और फिर सो जाएंगे। दोनों वीडियो मैंने बना लिए हैं, पूरा दिन घर में होने के बावजूद भी अच्छे से हम आराम नहीं कर पाते काम की वजह से, मतलब काम की पैशन होना चाहिए ना काम में। तो हाँ, वीडियो जरूर देखना गाइज, आर्ट वर्क्स वाली पसंद आएगी आपको। इतने तो मैं आजकल भी नहीं बनाता जितने मैंने पिछले 2 साल में बनाए थे। तो हाँ गाइज, अब मैं एडिटिंग चालू करता हूँ, अभी टाइम हो रहा है, पूरे 1:10 हो रहे हैं। तो हाँ, एडिटिंग करते हैं, 2-3 घंटे एडिटिंग में लगेंगे और उसके बाद जाएंगे सो। तो हाँ, आई होप यू एंजॉयड दिस व्लॉग। इफ़ यू एंजॉयड दिस व्लॉग हिट द लाइक बटन। कुछ बिहाइंड द सीन मैं आपको दिखाता हूँ बिकॉज बाहर तो जा नहीं सकते हैं, या फिर बाहर जाने का मेरा मन भी नहीं करता, अपना तो आर्टिस्ट लोग हैं। तो मिलते हैं गाइज जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।